गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन यूनिट शुरू कर चुके हैं। उसके मैंने आपकी दो क्लासेस ली हैं। क्लास फर्स्ट में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज सॉल्यूशन, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ टाइप एंड उसकी कंसंट्रेशन को हम किस तरह से शो आउट कर मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था कि सम टर्म्स लाइक एक्टिविटी फुगासिटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होते हैं। इसके अलावा हमने राउट्स ला पढ़ा था एंड हमने राउट्स ला फॉर सॉल्यूशन वेपर फेज पढ़ा था, मतलब दोनों में पढ़ा था, लिक्विड फेज में वेपर फेज में। आज हम शुरू कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच ऑबेज राउट्स ला। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? राउट्स ला। राउट्स ला मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। राउट्स ला क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू राउट्स ला द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये क्या है? पी ए क्या है हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन फेज, मतलब सोल्यूशन के अंदर, और पी नॉट ए प्योर स्टेट के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा बी कंपोनेंट होगा, मान लिया जाए टू लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, तो पी ए क्या हो जाएगा? एक्स ए पी नॉट ए, और पी बी क्या हो जाएगा? एक्स पी पी नॉट बी। जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं राउट्स ला। ठीक है, ये सारे टर्म्स आप लोगों को पता है। एक्स ए मोल फ्रैक्शन पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब देखो, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऐसे सोल्यूशन जो होते हैं, जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, जिसमें टू लिक्विड लिक्विड ए लिक्विड वी को मिक्स किया जाता है और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं दे आर आइडियल। आइडियल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? अब जैसे देखो, हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, तो लिक्विड ए ए मतलब लिक्विड ए के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और लिक्विड बी के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एग्जैक्टली सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, यानी कि ए और बी के बीच के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? जीरो होता है, और नो चेंज इन एंथैल्पी, ना तो एनर्जी इवॉल्व होएगी ना एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी। एग्जाम्पल क्या है आइडियल सॉल्यूशन के? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हेक्सेन को मिक्स कर देते हैं हेप्टेन के अंदर, तो देखो दोनों की करेक्टरिस्टिक सेम है। हमने 50 ml हेक्सेन को लिया, नॉर्मल हेक्सेन को, 50 ml हेप्टेन को लिया, टोटल वॉल्यूम हमारा 100 ml ही मिलेगा, ना इससे ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, और टेम्परेचर सॉल्यूशन का फाउंड टू भी सेम रहेगा जिस टेम्परेचर पे हमने इसको मिक्स किया है, ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कोई ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच डज नॉट ऑबे राउट्स ला। इट मीन्स कि पी ए बराबर नहीं होगा, इट मीन्स पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, या तो इससे ज़्यादा होगा या कम होगा, या तो ये ऐसे होगा या ये ऐसे होगा। ठीक है, और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डेल्टा वी मिक्सिंग वी नॉट इक्वल टू जीरो का, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा, और इस तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा हमारे पास में? जीरो नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं नॉन आइडियल के, जैसे वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, इथेनॉल प्लस वाटर, ये सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, कोई भी आइडियल सॉल्यूशन होगा, हम आपके सिलेबस में सिर्फ बाइनरी आइडियल सॉल्यूशंस है, तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू बी। अब पी ए पी बी की वैल्यू हम राउट्स ला से क्या लिख सकते हैं? पी ए पी बी की वैल्यू हम राउट्स ला से क्या लिख सकते हैं? देखो, आइडियल सॉल्यूशन के केस में पी ए हमारा होता है एक्स ए पी नॉट ए, और पी बी हमारा होता है एक्स बी पी नॉट बी, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? एक्स ए पी नॉट ए प्लस में एक्स बी
पी नॉट बी हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। इसको हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे, तो देखो ये डायग्रामेटिकली हम इसको ऐसा शो कर सकते हैं। देखो ये हमने ऐसे लाइन मिला दी, मोल फ्रैक्शन हमने लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर लिया हमने पार्शियल प्रेशर। अब देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि जित सारा का सारा हमारे पास में कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए को आप सोल्यूट को सॉल्वेंट करो आपकी मर्जी है। जैसे देखो ए की वजह से पार्शियल प्रेशर को कम दिखाया हुआ है, यानी कि ए हमने सोल्यूट को माना हुआ, और बी की वजह से ज़्यादा दिखाया हुआ है, यानी कि हमने बी हमने किसको माना है सोलवेंट को माना है। तो यहाँ पे सारा का सारा आपके पास में सोल्यूट प्रेजेंट है, एक्स ए के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो एक्स बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 0। इससे अपोजिट एंड में यहाँ पे हमने क्या लिया है, सारा का सारा सोलवेंट लिया है, एक्स ए हमारा 0 और एक्स बी हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा इट इज़ ऑल ड्यू टू सोल्यूट। तो ये जो वाई एक्सिस के ऊपर है यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नोट है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारा एक्स बी 1 है, तो जो भी प्रेशर हमारा है वो सारा का सारा किसकी वजह से हो जाएगा, बी की वजह से, यानी कि प्योर है वो, तो पी नोट भी हो गया। अब देखो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज़ हो जाएगा वैसे वैसे हमारा पी बी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। ये देखो और यहाँ पे पी ए डिक्रीज़ एक्स ए डिक्रीज़ होता जा रहा है, एक्स ए 1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी, रिवर्स में आएगा ग्राफ, और ये हमारा क्या हो जाएगा पी टोटल, ठीक है, एक्स ए और एक्स पी ए और पी बी की वजह से, ठीक है। ये आपका डायग्राम है राउट्स लॉ का, बहुत ईजी डायग्राम, आप लोगों ने बहुत भारी पढ़ रखा है, बहुत भारी ये वाला डायग्राम। अब वेपर प्रेशर वर्सेस वेपर कंपोजिशन कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ऑब्वे राउट्स ला, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच डज नॉट ऑब्वे राउट्स ला। तो नॉन आइडियल की भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, तो नॉन आइडियल में हमारे पास में हम फिलहाल यहाँ तीन टाइप के, वैसे तो मेनली दो ही टाइप के होते हैं, दो सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स ला एंड दो सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स ला। यहाँ पे क्या है कि हमने पॉजिटिव डेविएशन वालों को भी दो कैटेगरी में बांट दिया। टाइप वन में आगे वो हमारे पास दो सॉल्यूशन विच शो स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स ला। टाइप टू में आ जाएंगे हमारे पास में दो सॉल्यूशंस विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स ला, और टाइप थ्री हमारे पास में दो सॉल्यूशंस विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स ला। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि हमारे पास में पी ए ज़्यादा होगा एक्स ए पी नॉट ए से, मतलब जितना वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट की वजह से हम सॉल्यूशन में एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, और इसी तरह से पी बी भी हमारा ज़्यादा होगा एक्स बी पी नॉट बी से, मतलब राउट्स ला ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे क्या हो जाएगा ज़्यादा होएगा राउट्स ला में से पॉजिटिव डेविएशन में। अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन की वजह से है तो ऑफकोर्स और ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी उसकी। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ मैंने आपको कराया है और उसी के जैसा ग्राफ है, ये जो डॉटेड लाइन है ये आइडियल की वजह से है, और एक्चुअल सॉल्यूशन की वजह से देखो ऊपर की तरफ है लाइन, आइडियल से हमेशा ऊपर की तरफ आ रखी है, आइडियल से हमेशा लाइन ऊपर की तरफ आ रखी है, ये देखो ऊपर की तरफ है तीनों की तीनों लाइन, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में होगा, और हाई पॉजिटिव डेविएशन होगा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये और ज़्यादा ऊपर की तरफ हो जाएंगी लाइन, ठीक है। बस और इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ईजी है। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, इसमें एग्ज़ाम्पल है आपका जैसे सम एग्जांपल सब बेंजीन के अंदर टॉलिन मिक्स कर दिया, तो इसमें वो सब हमारे पास में एग्जांपल आएंगे विच शोज सम पोलर करेक्टर, ठीक है। जैसे बेंजीन और टॉलिन का एक जैसा नेचर है, लेकिन बेंजीन और टॉलिन दोनों के अंदर एरोमेटिसिटी है, सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। जैसे वाटर प्लस मिथाइल अल्कोहल, तो इसमें मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर में समवट हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और प्लस में पोलर करेक्टर भी है पोलर, और कार्बन टेट्राक्लोराइड और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये हमारे स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आ जाएंगे।
अब है हमारे पास में दो सोल्यूशन विथ शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम डाउट्स। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन में वही सब है, एक्स ए पी ए ज़्यादा होएगा एक्स ए पी नॉट ए से, और पी वी भी ज़्यादा होएगा एक्स पे पी नॉट पी से। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर, मतलब डेल्टा पॉजिटिव डेविएशन के लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा, डेल्टा बी भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा। अब हम इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या कह रहा था, क्या कहा था हमने, ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन इज एग्जैक्टली सेम टू ए बी इंटरेक्शन, दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है हमारा, एक पी ए ज़्यादा आ रहा है एक्स ए पी नॉट ए से, यानी कि वेपर प्रेशर हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा वैल्यू है, उससे ज़्यादा वैल्यू है। इस बात का क्या मतलब है कि भाई ए ए और बी बी इंटरेक्शन पहले स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था, लेकिन जब ए बी इंटरेक्शन हुआ तो इंटरेक्शन हमारा क्या हो गया, वीक हो गया। इंटरेक्शन वीक हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्रिएट होगा। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो जो भी हमने टेम्परेचर यूज़ किया है, जो भी हमने टेम्परेचर दिया है, वो टेम्परेचर यूटिलाइज हो जाएगा इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़वाने में। जब ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा तो वेपर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर्स कम एग्जर्ट हो पाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर इंटरेक्शन वीक है हमारे पास में तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। नेगेटिव डेविएशन में उल्टा हो जाएगा, ए ए पहले इंटरेक्शन वीक था, ए ए और बी बी के बीच इंटरेक्शन पहले क्या था, वीक था, वीक इंटरेक्शन था, लेकिन ए बी में इंटरेक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ए बी में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया तो ऑफकोर्स वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हम टेम्परेचर हम दिया है इट इज़ यूटिलाइज टू डिसोसिएट द बॉन्ड, पहले बॉन्ड डिसोसिएट होंगे तभी तो वो वेपर फेज में जाएंगे ना, ठीक है। तो इस केस में पी नॉट ए हमारा, पी ए हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए से। राउट्स ने जितना एक्सपेक्ट किया था नेगेटिव डेविएशन में उससे कम वेपर प्रेशर आ जाएगा। उसका कारण यही है कि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल है हमारे पास में लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वालों का, विच इंक्लूड वाटर एंड इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। अब देखो इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म में आपको समझाती हूँ मैं, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म में क्या था, जब इथेनॉल मॉलिक्यूल आपके पास में था, C2H5OH मॉलिक्यूल आपके पास में था, C2H5OH, तो ये जितने मॉलिक्यूल्स थे दे आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंटरेक्शन पहले स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस इथेनॉल में हमने मिक्स कर दिया क्लोरोफॉर्म, मिक्स करने से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो गई, इस वजह से यानी कि बाद में इंटरेक्शन क्या हो गए, वीक हो गया हमारे, तो ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ अगर हम देखें तो आइडियल सॉल्यूशन से नीचे की तरफ ग्राफ कन्वर्टेड होगा, नीचे की तरफ सारा का सारा नेगेटिव डेविएशन के लिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इंटरेक्शन क्या होगा, पहले स्ट्रॉन्ग होगा, पहले वीक होगा, बाद में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन की वजह के कंपैरिजन में ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। एक मिनट।